मैं पहले भी कहा था आपके माध्यम से और कई चैनलों पर मैंने कहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हरियाणा में कांग्रेस में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी सब जगह हारेगा, चाहे वो आने वाला चुनाव, चाहे वो झारखंड हो, चाहे कई और प्रदेशों का चुनाव होना है, उसमें बुरी तरह बीजेपी हारेगी, क्योंकि बीजेपी का केवल घोषणाओं की सरकार है और देश का सारी संपत्ति जो है वो कॉरपोरेट घराने को दिया जा रहा है। इसलिए जनता जग चुकी है और बीजेपी के खिलाफ में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की इकोनॉमी पर पिछले 10 साल में जो इकोनॉमी उसको लेकर कहा है कि मोदी नॉमिक्स ने इकोनॉमी को खराब कर दिया। सही माने में दिखावा, केवल पता नहीं, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो मीडिया होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और मीडिया ही के मालिक अगर बिके हुए हों सरकार से और सरकार का केवल गुणगान करता हो और जो खराब चीजें हैं, जो कमियां हैं, वो उसको नहीं दिखाए हुए जनता को, तो हम समझते हैं कि जनता के साथ ये घात हो रहा है और मोदी सरकार तो देश को बेच दिया। आज लालू परिवार की राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी है लैंड फॉर जॉब मामले में, ये क्या कोर्ट का कहना चाहिए? मामला है और कोर्ट का जो फैसला आएगा, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से लालू जी के को बड़ी और उनके परिवार को बड़ी करने का काम ये बीजेपी के द्वारा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट समझती अगर है। दोबारा से भी चार्जशीट नहीं फाइल नहीं की जाती है ये निश्चित रूप से कोर्ट भी समझेगी और कोर्ट बाइज्जत रिहा करेगी। लालू जी ने भी ट्वीट किया कि 10 साल में डबल इंजन की सरकार रेल बेच रही है, साथ ही नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं लालू यादव ने ट्वीट करके। लालू जी जो कहे हैं, जो बयान दिया है या ट्वीट किया है, वो सही कहा है उन्होंने। देश को, मैं पहले भी कहता था एक स्लोगन कि देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर उजर दाढ़ी वालों ने। तो सही बात है, हम जो स्लोगन बोलते हैं या कोई बात बोलते हैं, नेता बाद में पकड़ते हैं कोई भी। हमारी पार्टी भी हमारे बयान के बाद ही कोई फैसला लेती है। हम ये स्मार्ट मीटर का जो मामला था, ये आज 4 महीने से मैं उठा रहा था इस मामले को, तो पार्टी ने संज्ञान लिया, महागठबंधन ने संज्ञान लिया और इस पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। स्मार्ट मीटर में तो काफी लकुना है और हम समझते हैं कि इसको लूटपाट किया जा रहा है और जनता के जेब को खाली किया जा रहा है, लूटने का प्रयास किया जा रहा है।